यूसुफ मुनीर है और मैं औरंगी सेक्टर 15 ए का रहायशी हूँ। कराची यूनिवर्सिटी से एम फिल का तालिब इल्म हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शोबा है मेरा, और एक इदारे में जो एच आर ह्यूमन रिसोर्स का लर्निंग एंड डेवलपमेंट है उसको हेड करता हूँ। और सुहेल भाई माशाल्लाह औरंगी टाउन में माशाल्लाह लोग उनको जानते हैं, पुराने लोग खास तौर पर, अब तो नए लोग शायद उस तरह से नहीं जानते होंगे। इन्हीं गली मोहल्ले में बड़े हुए हैं, यही जो औरंगी टाउन में रहने वालों ने मुशक्क़तें उठाई हैं वो सारी इन्होंने उठाई हैं। यहाँ से पानी भरना, यहाँ से बसों में बैठ कर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया और माशाल्लाह ये पाकिस्तान से बाहर भी रहे, पाकिस्तान के अंदर मैंने उसके बाद उन्होंने ये लौट आए और आईटी के शोबे में इनका अच्छा बड़ा नाम है। और इन्होंने खुद ही अपने तौर पर जो है वो एक काम शुरू किया हुआ है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी करवाना चाहते हैं। और औरंगी टाउन को खास तौर पर इन्होंने इसलिए याद रखा है कि यहीं बड़े हुए हैं, यहीं बचपन गुजारी है, यहीं सब कुछ था, तो आज इसी हवाले से इन्होंने रोज किया और कोशिश की है, इनकी ख्वाहिश ये है कि ये इंटरनेट के ज़रिए से रोज़गार कैसे कमाए। इस प्रोग्राम का जो मज़ीद तारुफ है मेरे ख्याल है सुहेल भाई अगर अपना तारुफ भी करवा दें और प्रोग्राम का तारुफ भी करवा दें तो बेहतर है। ठीक है, इसको शॉर्ट और तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदेमंद बात हो जाए। तारुफ तो हो गया, मैं भी आप लोगों में से हूँ और यहाँ मैं मेरे रिश्तेदार रहते हैं और मैं आज भी अपने मामू के घर आया हूँ। तो आज की जो नशिस्त थी वो मेरी ख्वाहिश में मैंने अपने भाई से कहा था, मोहम्मद भाई से कि कुछ लोग अगर जमा हो जाए तो शायद वो मसरूफ थे तो मैंने यहाँ आप लोगों को जमा किया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें ये कि जो कराची के लोग हैं, लड़के हैं, उसमें बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है और जो क्राइम होते हैं उनका भी ताल्लुक बराह रास्त रोज़गार से होता है, कि जेब में पैसे नहीं होंगे तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है कि लोगों को आवाज भी पहुंचाना चाहिए, उनके लिए आसानियां पहुंचानी चाहिए, और जब एक फ्लाई निज़ाम होता है जहाँ सबको रोज़गार मिल रहा हो तो लोग आमतौर पर दूसरी तरफ नहीं जाते। हम अपनी गुफ्तगू को कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट में समेट लें, उसके बाद कोई सवाल हो और इसको बिल्कुल मुख्तसर तौर पर सामने रखेंगे हाई लेवल, बाद आप ये सोच सकेंगे कि मैं अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए काम करना चाहता हूँ अपने शोबे में तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। इंटरनेट में काम दो तीन तरीके से हो सकता है। एक काम होता है जिस पर आप अपनी चीज़ें बेचते हैं, इसको हम लोग ई कॉमर्स करते हैं। तो यहाँ के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग और मेरे रिश्तेदार, वो औरंगी में रहते हुए अगर ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास है। ई कॉमर्स में मज़ीद बात करने से पहले मैं गिनवा दूँ कि ई कॉमर्स के अलावा दूसरा रास्ता इंटरनेट पे कमाने का होता है कि आप कोई पब्लिशर बन जाए, या तो यूट्यूब चैनल हो आपका, आप इस पर वीडियो डाल रहे हो, लोग आ रहे हो, या आप मज़ामीन लिख रहे हो और उस पर बहुत ट्रैफिक आता हो और इसकी वजह से वहाँ पर इश्तहारात मिलते हो या दूसरे लोगों से एफिलेटेड आप होते हैं तो उससे पैसे बनाते हैं। पहला मैंने बताया ई कॉमर्स, दूसरा ये, क्योंकि तीसरा जो बड़ा है कि कोई भी काम सीख कर लोगों को वो फराहम करें, किसी के लिए डिज़ाइनिंग करें, किसी के लिए प्रोग्रामिंग करें, डेटा एंट्री करें, आर्टिकल्स लिखें, और हर वो काम जो आम तौर पे हम तलाश माश में अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो इंटरनेट पर। तीन कैटेगरी में करने के बाद वापस आता हूँ कि जो पहला काम है कि इंटरनेट पर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे अपने घर वालों को चला सकते हैं, चीज़ें बेचें। और इनकी मुझे लगता है कि हमारे ज़माने से लेकर अब तक एक कॉटेज इंडस्ट्री है, यहाँ जूते बनते हैं, कपड़े बनते हैं, यहाँ कारीगर लोग बहुत हैं और ये लोग बेचारे जमा करते हैं और जाके होल सेल देते होंगे, फिर पैसे मिलते होंगे, फिर अगला माल देते होंगे, ऐसा होता होगा ना। अगर यहाँ के पढ़े लिखे लड़के उन लोगों को इंगेज करें और अच्छे तरीके से फेसबुक पर इश्तहारात दे के और draz.pk पर चीज़ें बेचें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं अपनी कम्यूनिटी को, उनको और चीज़ें बनाएंगे और कारीगर रखेंगे और आपको ये फ़ायदा होगा कि भाई अभी भाग कर थोड़ी करनी, वहाँ तो मोहल्ले में बनता है, उससे ये बनवा लिया, ये बनवा लिया, सब ऑर्डर आया दे दिया, तो फेसबुक पे बेचेंगे, उसके बाद draz.pk में बेचेंगे, अपनी वेबसाइट पे बेचेंगे, जिस तरह से भी बैठे बैठे यहाँ से लंदन भेजें, न्यूयॉर्क भेजें, अफ्रीका भेजें, बांग्लादेश, दुनिया भर में भेज सकते हैं। आप नहीं बेच रहे या अगर तो दूसरे लोग तो ये काम कर रहे हैं ना, जो नाज़ाबाद में, गुलशन इकबाल में, डिफेंस में या लाहौर में कहीं बैठे हैं, वो इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्री से या सिंध के शहरों से या पंजाब के देहातों से माल लेके जमा करके बेचते हैं आगे, तो इसमें बहुत बड़ी मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। और कभी मौका मिलेगा तो इसमें मैं तफसील से ज़्यादा बात करूँगा। फिर वक्त ये समझ लें कि आप कोई भी शॉप
शॉप बना लें और उसका अगर कोई जूते हैं या कपड़े हैं तो उसको बेचना शुरू करें और कुछ वीडियोस देख के सीख लीजिए कि फेसबुक पे इश्तहारात कैसे बनाते हैं। बिल्कुल एक दो दिन की बात है, उसकी उसका भी मटेरियल मौजूद है यहाँ पर। मैं ये तो नहीं बताने जा रहा कि कैसे करेंगे, बस हाई लेवल बता रहा हूँ कि ये बड़ा एवेन्यू मौजूद है। मैं होता यहाँ पे आप लोगों की जगह तो मैं दबा के करता। मैंने कई दफ़ा कोशिश की लेकिन मैं चूँकि रहता नहीं हूँ अब यहाँ तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से मैं माल बनवा सकता हूँ कम पैसों में और फिर मुनाफा रख कर मैं दबा के बेच सकता हूँ। पूरे कराची में बेच सकता हूँ मैं और पाकिस्तान से बाहर बेच सकता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तालीम नहीं चाहिए और ट्राई करेंगे तो 7-6 महीने में पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, फिर 10 ऑर्डर बिजी हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, जैसे कोई लड़का है लाहौर में तो वो कहता है कि जूते खरीद के बेचता था, वे इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए कि अब उसने जूते की फैक्ट्री लगा ली। आपकी फैक्ट्रियाँ तो पहले से है ना यहाँ छोटे छोटे, इसको ज़रूर करें। अगर कोई अच्छी नहीं भी बनती है तो आप कोई चीज़ ला के सैंपल किसी से सेटिंग करेंगे या कोई मना के दोगे मुझे मैं बेचता हूँ, ये कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स जब आप अपना फेसबुक पर बेच रहे होंगे तो अगर आपका दिल चाहे तो आप दराज डॉट पी के पे बेचिए, वहाँ स्टोर बना लें, वो आके पिक करेंगे, वट एवर। एक तो ये एरिया है। दूसरा एरिया ये है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते किसी वजह, ये तो आसान है, ये तो सबको करना चाहिए, दूसरे गांवों के साथ भी करना चाहिए। हर फर्द की एक ऑनलाइन दुकान होनी चाहिए, उस पर ना बिजली का बिल आता है, ना मुलाजिम रखे हैं, ना किराया है, क्यों नहीं है, होना चाहिए ना। औरंगी की पहचान तो ये नहीं होनी चाहिए ना कि भाई ठीक है लोग थोड़ा पीछे रह गए और फला की इमदाद फला की इमदाद, उससे तो गुर्बत दूर नहीं होगी ना। आपके प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि गुर्बत तो दूर होगी इंसाफ देने से और रोज़गार के मौके पैदा करने से। तो इसमें आप कर रहे होंगे ये काम आपकी वजह से। अगर 100-200 लोग चीज़ें माल बना बना के आपको दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कहाँ पहुँच गए और कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं अपनी कम्युनिटी को। तो ये बहुत ज़्यादा करना चाहिए, इस पर अलग से सेशन करके अपने नौजवानों को बात करें कि यहाँ क्या क्या बन सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आधार कार्ड ना होने की वजह से या तालीम में किसी वजह से पीछे रह रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा आगे जाके कम्प्लीट नहीं करते। मेरा एक स्टाफ कहता था कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे मेरे पास कार्ड नहीं है और मुझे पुलिस रेंजर्स तंग करती है ना। मैंने सुना है कि वो औरंगी में को ठेला लगाता है, तो ये एक दर्दनाक है। एक बच्ची मुझे मिली एक शादी में, उसने कहा कि बस सेल भाई पढ़ ली है मैट्रिक तक, अब यूनिवर्सिटी में जाऊँगी तो मेरे को बेफॉर्म अपना बना का मसला ये है ना यहाँ पर। तो इसमें आपको ना बेफॉर्म चाहिए ना इसमें आपको कुछ चाहिए, ये आप कर गुजरे। और ये अगर ये बात समझ में आ गई लोगों को तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने करके दिखा दिया तो आपके रिश्तेदारों को आपके मोहल्ले वालों को यकीन आ जाएगा यार ये होता है, मैं तो बना रहा हूँ, मैं रोज़ मैं ये सप्लाई करता हूँ, तो पीछे 10 लोग और करेंगे। ये जो फ़ायदा होगा ना, हर ख़ानदान में एक आदमी ऑनलाइन स्टोर चला रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त, यहीं पर माल बनवा रहा हूँ और यहीं से जनाब शिपिंग घर घर जा रही है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो ये ज़रूर करें। इसके साथ साथ दूसरे जिन लोगों को ज़्यादा स्किल्स नहीं है, कुछ आसान काम, कुछ मिड लेवल और कुछ बहुत मुश्किल काम, ये तीनों तरह के काम होते हैं हर शोबे में। कुछ काम ऐसे सीख लें कि यहाँ बैठ के कर सकते हैं हमारी बच्चियाँ और हमारे बच्चे, लोगो वगैरह बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, फ़ोटो को एडिट करके ठीक कर सकते हैं। किसी और का स्टोर है, किसी का स्टोर है ऑनलाइन अमरीका में कहीं, तो उसको दुनिया भर में दूसरे लोग चाहिए होते हैं हेल्प करने के लिए कि भाई स्टोर पे एंट्री कर दो, तस्वीरें डाल दो, ठीक कर दो, प्राइस डाल दो, या एक्सेल की शीट भेज रहा हूँ, ये बहुत आसान काम होता है, इसको डेटा एंट्री कहा जाता है। बहुत से लोग भेज देते हैं व्हाट्सएप पे तस्वीरें वगैरह, या इसमें टाइप कर दो, ये फला चीज़ यहाँ से उठा के इस सिस्टम में डाल दो, यूज़र आईडी पासवर्ड है, डेटा एंट्री का काम बहुत मिलता है। आप आ जाए करीब। इसके अलावा कुछ लोग अगर थोड़ी सी चीज़ें सीख जाएं, जैसे वेबसाइट बनाना कोई भी सीख सकता है 1-2 महीने में वर्डप्रेस पे फला पे, तो वो लोगों की वेबसाइट बना रहा होगा दुनिया में। कोई अगर कुछ और कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है किसी खास जबान में, तो अगर आप गिनेंगे ना ऐसे कौन से हुनर हैं जो यहाँ बैठ के हम अमेरिका और यूरोप वालों के लिए काम कर सकते हैं। तो मैंने पढ़ा है कि 1000 काम ऐसे, 1000 तो मैं गिनवा भी नहीं सकता, मैं तो 100 भी गिनवा सकता हूँ, तो ऐसे काम हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोग काम किस तरह देते हैं। वहाँ के लोग इंटरनेट पे कुछ मिडिल में वेबसाइट्स होती हैं, उनके नाम है fiverr.com, उनके नाम है upwork.com, freelancer.com, guru.com वगैरह वगैरह, 8-10 बड़ी वेबसाइट हैं। तो वहाँ के लोगों को ये होता है कि यार अगर ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो अगर
घोरों को रखेंगे तो ये फी घंटे $30-$35 लेंगे, इतना प्रॉफिट नहीं बचता। तो ये काम तो कोई भी कर सकता है, ये डिजाइनिंग वाला, ये डेटा एंट्री वाला, हम बांग्लादेश में भेज देते, इंडिया में भेज देते, पाकिस्तान वाले से करा लेते, ईमेल तो है, इंटरनेट है। तो ज़रूरत पैदा हो रही कि भाई मिडिल मैन वेबसाइट्स बने, और 10-15 साल पहले ये वेबसाइट्स आई guru.com, freelancer.com, और वो लोग वहाँ पर प्रोजेक्ट डालते हैं और यहाँ से लोग अकाउंट बना के एज ए फ्रीलांसर उस जॉब पे अप्लाई करते हैं जो उनके स्किल से मैच करती है, और फिर वो जॉब कंप्लीट करके भेजते हैं, वहीं पे अटैच कर देते हैं फाइल, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसकी पूरी डिटेल इस पे अलग से बात होती है। आज मैं सिर्फ हाई लेवल बात कर रहा हूँ अपने पुराने महल्ले में औरंगी टाउन में, जहाँ से मैंने मैट्रिक किया जैसे मिलन से, जहाँ से मैं इंटर करने जाता था उर्दू साइंस कॉलेज, जहाँ से जामिया कराची जाता था, और अब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे लोग बहुत पीछे रह गए, हमें थोड़ा सा दुख होता है और हमें दिल चाहता है कि ये लोग भी हमारी तरह आगे बढ़े। तो उसके लिए अगर कोई फाइनेंशियल फंड जमा करके किसी को देंगे तो लोग बहुत हैं, इतने फंड्स नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनको मछली पकड़ना सिखा दें, मैं नहीं सिखा सकता, हम लोग कुछ लोग मिल के अगर थोड़े से लोगों को सिखा दें तो वो फिर आगे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, चूँकि 4G, 3G और 5G आने वाला है, तो अब कुछ फासले सिमट गए हैं। अब दुनिया के किसी भी खत्ते में हैं कुछ काम ऐसे हैं कि जो कोई भी कर सकता है, बर्मा में बैठे हैं, भूटान में, नेपाल में, ऐसे ऐसे मुल्क मैं सुनता हूँ, मराकश, और ऐसे ऐसे सुनता हूँ नाइजीरिया, वहाँ बहुत तेज़ी से फ्रीलांसिंग हुई है और लोग अरबों डॉलर अपने मुल्क के लिए कमा चुके हैं। अब तक बांग्लादेश के बारे में सुना है कि 6 लाख लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, इस तरह हमारे यहाँ शायद 1.5-2 लाख है, ऐसा कोई डाटा मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत करते हैं। तो ये तीनों एरिया में काम की आप लोग बातें करें, आप लोग कोई क्लब बना लें, जैसे मैं इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए मैंने अपने 2 दोस्त को मिला के एक रोज़गार फाउंडेशन के नाम से नाम रखा, जमा होते हैं और कहीं पर लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। तो चूँकि आपको यहाँ पर अपने दोस्तों को उठाना है, जगाना है, उनको मिसाल बननी है आपको, तो आप लोग ऐसे क्लब सा बना लें कि भाई हम इंटरनेट क्लब या वर्क फ्रॉम होम क्लब ऐसा बना लें, बैठे चाय पार्टी में, एक दूसरे को बताएं कि मुझे ये कामयाबी हुई है, मुझे ये हुई है, और इसमें आप आगे जा सकते हैं। इसमें कहीं पर फंस जाएंगे तो आपको मुझे फ़ोन नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, गूगल पे कर जाना है, और बहुत सारे लोगों की स्टोरी आ जाएगी, हाँ मुझे ये मसला आया था, ऐसे हुआ था, हाँ बैंक अकाउंट ऐसे सेट होता है, हाँ ये प्रॉब्लम है, तो ये खिलाफ वर्जी करोगे तो अकाउंट बंद हो जाएगा, अब नहीं करना, दोबारा अकाउंट बना लो, वगैरह वगैरह। तो आपकी जो रुकावट है, जो आपके सवालात हैं, वो राइट में मौजूद हैं, आप उसी मोबाइल फोन पे, उसी लैपटॉप, उसी कंप्यूटर पे। तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई वजह नहीं है कि हम लोग ये काम नहीं करें और दोबारा खड़े नहीं हो, ठीक है। कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, 10,000 में पूरा घर पर कोई भी आके कंप्यूटर लगा दे, लैपटॉप मिल जाता है 10-12,000 में, हर जगह इंटरनेट है। ये चीज़ें अगर आप नहीं जानते तो रिसोर्स इंटरनेट पे मौजूद है, वहीं से सीखें, वहीं पे काम करें, वहीं पे पैसे बनाएं। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ इसी हफ्ते का, कि मैंने एक लड़की से कहा कि तुम आर्टिकल लिखती हो, अच्छा लिखती हो, तुम आर्टिकल राइटिंग के लिए अकाउंट बना लो फाइबर पे। उसने मेरे कहने पर अकाउंट बना के कहा मुझे पहली जॉब कैसे मिलेगी, मेरा तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है, इस हफ्ते के लिए इसने काम नहीं किया। तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को भेजता हूँ तुम्हारा लिंक, उनमें से किसी एक से कहूँगा कि इसको हायर कर ले, $20-25 की जॉब। 2-3 लोगों को कहा तो उन्होंने उसको हायर कर लिया, किसी ने CV ठीक करा लिया, किसी ने कहा कि मेरा लिंक्डइन अकाउंट ठीक कर लें, उसके अंदर अच्छे थे, तो उसके प्रोफाइल उसका बन गया। अब उसने कहा सही साहब मुझे एक जॉब और मिली, फिर वो बता दी एक जॉब, अब उसके पास 10 जॉब है, और उसने कल मुझे अपनी स्क्रीन दिखाई कि मैंने विदिन 2-3 वीक $700+ कमा लिए, और ये सारी जॉब ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि तुमसे और भी लिख पाएंगे। चले आपको लिखना नहीं आता, अगर आप डिज़ाइनिंग सीख के कंप्यूटर भी सीखेंगे ना, सॉफ्टवेयर या यूट्यूब देख के सीखेंगे, किसी के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो कहेगा मेरे पास अक्सर ऐसा काम आता है तो कुछ करते रहो मैं, तो आपको लगेगा कि यार कहाँ कहाँ ख्वार हो रहे थे नौकरी के लिए, इधर उधर कोर्स कर लें, फला कर लें, इंटरनेट चल कर आ गया हमारे पास, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चूँकि लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लंबी चीज़ें नहीं देखी जाती, ठीक है। तो मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हुआ क्योंकि सवालात कर लेंगे, मैंने आज जॉब के सामने बात रखी कि मैं खुद, मेरा काम यही है, हमारा इंटरनेट पे काम है, मैं वेबसाइट्स देखती हूँ, कॉमर्स शॉप्स हम बनाते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, वो फीडबैक देते हैं ज़बरदस्त,
और हम सीख जाते हैं कि खुश कैसे रखना है, अच्छा कैसे उनको नज़र आना है और काम अच्छा कैसे करना है। तो हम टॉप रेटेड प्लस प्रोफाइल है हमारा। हमारे साथ साथ मेरे साथ साथ 7-8 लोगों को और जॉब मिलती है। हम एक दफ्तर में बैठ के काम करते हैं। आप लोग भी जगह जगह ऐसे ऑफिस बनाएंगे आज से 2-3-4 साल बाद, अगर आप इस पर फोकस होकर काम करें। तो आज की इस गुफ्तगू को, जो कि बहुत मुख्तसर थी, मैं कंक्लूड करते हुए बताता हूँ कि हमने गुफ्तगू की कि 2-3 तरीके से इंटरनेट पे काम हो रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स और आपकी मर्जी का काम हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल हो, आसान दिमाग तो कहते हैं कि बस फाइबर में आ जाए, ठीक है आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट है उस पर कमेंट लिख दिया करें। वहाँ तो कहते हैं कि बस हम वीडियो डालते हैं, हम चाहते हैं कि वॉच टाइम हो, कोई आके बस वीडियो पूरा देख लें। वो कहते हैं हमारी ईमेल खोल के पढ़ लें। आसान भी होता है, आसान के पैसे आसान होंगे, दरमियाने काम के दरमियाने पैसे होंगे, और अगर आप मेहनत करके आगे जाएंगे तो आप बहुत पैसे बनाएंगे। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो एक घंटे के $100-$150 लेते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि अगर आप इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते और फिर भी इंटरनेट से बिजनेस करना चाहते हैं, तो औरंगी एक कॉटन इंडस्ट्री अभी तक है, यहाँ से माल तैयार होकर बाहर जाता है। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें कि कहाँ कहाँ क्या बिक रहा है, कौन बना रहा है, और उससे उसके रेट्स दें और अच्छी तस्वीरें खिंचवा के अपने फेसबुक पेज बनाएं, इस पर इश्तहारात दें, तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। आपको ऑर्डर्स लोकल भी आएंगे और आपको ऑर्डर्स दुबई से भी आएंगे और लंदन से भी आएंगे। और कोई ना कोई कस्टमर आपको कहेगा कि तुम 5,000 पीस बनवा दोगे, 10,000 बनवा दोगे, और आप क्लिक कर जाएंगे ऐसे। और इस मुल्क में दबा के ऐसे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि हमें बहुत ऑर्डर मिलते हैं। और मैंने इनको बताया तीसरा कि तीसरा काम ये है कि अगर बेचना भी नहीं चाहते, किसी के लिए काम भी नहीं करना चाहते, तो पब्लिशर बन जाए। आपका एक ब्लॉग हो जिस पर आप रोज़ आर्टिकल लिखें और उस पर हमारे लाखों लोग पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो आपको इश्तहारात के पैसे मिलेंगे गूगल और दीगर इदारों से। या फिर आप यूट्यूब के एक आदमी बन जाए, यूट्यूबर बन जाइए, किसी खास मौजू पे रेगुलर वीडियो बना के अच्छा कंटेंट अपलोड करें, लोग आपको देख रहे हों और उस पर भी इश्तहारात। हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता, फ़र्द को खुद तलाश करना होता है कि मैं किस काम में खुशी महसूस करता हूँ, क्या काम मैं शौक से करता हूँ। तो इसको एक्सप्लोर करें, आज ही गूगल पे जाइए, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, टॉप वेबसाइट्स वर्किंग फ्रॉम होम, हाउ टू लर्न फला। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आपको किसी इंस्टीट्यूट भी नहीं जाना ना, वहीं पे यूट्यूब पे या तो उसकी वीडियो होगी या udemy.com पे जाके कोई कोर्स खरीदना होगा। अगर भाई को वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो udemy पे देखेंगे कौन से कोर्स बिक रहे हैं, टॉप रेटेड कौन सा है, $10-15 का कोर्स होगा तो बैंक कार्ड से देंगे और उसको पूरा देख लेंगे 30-40 घंटे में, रिवाइंड करके बाद सीख जाएंगे। आज तो सीखने का मवाद भी वही मौजूद है, जिनके लिए काम करना है वो भी इंटरनेट पर मौजूद है, और जो आपके सवाल अराइज होते हैं। लेकिन मैं तो वापस आया हूँ कनाडा से, अमेरिका से, मेरी बहुत अच्छी जॉब थी और मैं एक टीम को लीड करता था और मैं एक बहुत बड़ी सोसाइटी में रहता था, झील के साथ रिलेटेड, बहुत शानदार। मुझे चूँकि अच्छा लगता है पाकिस्तान तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ आके भी मैं बेरोज़गार तो नहीं हूँ। मैंने फ्री लोग कोई ऐसा काम देखा, इंटरनेट पे सीखा, करता हूँ और मेरा घर चलता है। तो जब मैं कर सकता हूँ बाहर से आके, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मुझे तो कोई स्टाफ ढूंढने में देर लगती है, कहाँ से लाऊंगा, आप लोग के तो बहुत दोस्त यार होते हैं। तो आज की गुफ्तगू को इस पर समेटते मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे लोगों को कमेंट्स के जवाब देता हूँ, बाकी बातें हम वहाँ कर लेंगे। आप में से अगर कोई सवाल करना चाहे, जो ऐसा सवाल है जो सबके फायदे का हो, तो ज़रूर कीजिए, तो उस पर भी प्रोग्राम को समेट। माशाल्लाह से तारुफ करना है, शायर भी है और जी सवाल कीजिए। सुनो, सवाल तो कुछ नहीं था। अच्छा, ये मुझे तो फेसबुक के ज़रिए पता चला था। अच्छा, कि इस तरह का कोई लेक्चर है। अच्छा, तो मैंने सोचा चलो अच्छा घर बैठे कुछ काम कर लेंगे। मेरा ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान नेवी से है। अच्छा, और मैं फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज में लेक्चरार हूँ। अच्छा, और अच्छे शायर पहले रहता था, अभी नहीं रहता हूँ। मैं दो किताब का मुसन्निफ भी हूँ। तो मैं बोला आपसे मुलाकात भी हो जाए, इसीलिए आया हूँ। मैं भाइयों की मोहब्बत में, अरमान भाई है, मुनीर भाई है, इनों की मोहब्बत में आया। खुशी हुई, मैं तो यहाँ 5 बजे आके सोच रहा था कि कोई आया नहीं, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपको पता है औरंगी टाउन में तालीम का रुझान इतना नहीं है, या कुछ चंद अनासरों की वजह से जो मैार था वो ख़त्म हो गया, और चूँकि सोशल मीडिया या इंटरनेट के ज़रिए कमाने के लिए तालीम का होना ज़रूरी है, तो क्या आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें बता सकते हैं जो कम तालीम याफ्ता या कोई अगर जिसने मैट्रिक भी किया हो तो वो आसानी से कर सके, ईजी वे में क्या चीज़ है जिसको हम कर सकें? बिल्कुल सही बात है, पढ़े लिखे नहीं है ना बेचारे, कैसे करेंगे, है ना? मुझे पता है
बहुत अच्छा सवाल है यार। सबसे अच्छी बात यह कि ज़माना इतना बदल गया ना कि इंटर पास मैट्रिक पास लोग इतने ज़्यादा पैसे बना सकते हैं आजकल जो डिग्री वाले नहीं बना सकते। जो रिवायती तालीम है ना जो 4 साल 5 साल वो इंसान को बहुत उठा के ऊपर ले जाती है ना, इंसान की शख्सियत बनती है, आलिम बनता है, स्कॉलर बनता है, उसकी तो कदर करनी चाहिए। लेकिन ये छोटे छोटे जो स्किल्स हैं ना ये यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाए जाते। फर्ज कीजिए कि मैं इन भाई से कहूँ कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लीजिए, फेसबुक पे इश्तहार कैसे देते हैं, या ट्विटर के मास्टर बन जाइए, किसी 2-4 कंपनी की चलाइए, तो ये कोई यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ाया जाता। इनके पास वक्त था ये मास्टर बन गए, एक दो कोर्स भी ले लिए इन्होंने और ये 10 लोगों के अकाउंट चला रहे हैं, लेकिन सामने एक PhD बैठा है वो नहीं कर सकता ये, तो PhD बेचारा शायद इन जितनी नहीं कमा सका होगा। हाँ लेकिन मैं लोकल बात करता हूँ कि जो बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग स्ट्रांग नहीं है, तो भाई सारी स्किल्स में लिखना पढ़ना थोड़ी होता है। बहुत सारी स्किल्स में लोग वीडियो भेज देते हैं, मैं इसको एडिट करके अच्छा बना दूँ, और कोई भी क्रिएटिव आदमी वीडियो को तो सीख जाएगा ना। डिज़ाइनिंग है, अगर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की, एक तो डिज़ाइनर बहुत गिफ्टेड होते हैं लेकिन अगर थोड़ा सीख ले, और तस्वीरों को छोटा करना, रिसाइज करके अपलोड करना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो 8वीं जमात वाले लोग कर सकते हैं। और वहाँ देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में सारे टॉप के इंजीनियर थोड़ी दरकार होते हैं यार। ये जो बिल्डिंग बनी है कोई बहरिया की, थोड़े से चाहिए टॉप लेवल के आर्किटेक्ट, थोड़े से चाहिए इंजीनियर्स बड़े टॉप, बाकी तो फोरमैन, उसके बाद हज़ारों मजदूर, तो ज़्यादा जॉब तो छोटी होती है ना हर प्रोजेक्ट में। तो इंटरनेट में जो ज़्यादा जॉब्स होती वो छोटी होगी, जो शुरू में मैंने कहा था मैं डेटा एंट्री देखो टाइप कर लो, 2-4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, टाइपिंग स्पीड में जाएगी, उसको टेस्ट दे दो, वो कहेगा हाँ टाइपिंग तो अच्छा है यार, जो भी इसको भेजता हूँ मेरे पास पुराने डॉक्यूमेंट थे मुझे टाइप करवानी थी मुझे मिल गया, वो दबा के टाइप किया जा रहा है, बिल्कुल मुमकिन है। ऐसे आप कोई आर्टिकल पढ़िएगा कि वो कौन से स्किल्स हैं जिसमें ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो आपको वो लिस्ट आ जाएगी कि किस तरह से मैंने बताया था कि लोगों को प्रोडक्ट पे जाके कमेंट लिखना थोड़ा सा, कि बातों में वो कॉन्टेंट भी दे देते हैं, तो नहीं ऐसी कोई रुकावट नहीं। फ्रीलांस के हवाले से, फ्रीलांस का एक तो अकाउंट बनाना, दूसरा उसकी पेमेंट रिसीव करना, तो इस हवाले से क्या क्या अगर स्टेप्स हैं? हाँ ये भी थोड़ा सा अलग बिल्कुल चले पॉइंट्स, अगर आप सभी कहते हैं पैसे मिलेंगे, यानी कि माशे में चूँकि एतबार नहीं है, तो भाई जो मेरा घर वाला पैसा नहीं देता तो वो अगर देगा तो आदमी को सवाल आता है, मेरे बच्चे नहीं करते, पहले तो मैं उनको स्क्रीन दिखाता हूँ ये देखो ये $2,00,000 है ये मैंने कमाए, ये देखो $1,00,000 ये इसने कमाए, तो पैसे आ रहे हैं उसी से हमारे घर चलता है, हम तुम जॉब नहीं करते। लेकिन इतना आसान है कि वो तो आपको पहले हफ्ते मालूम हो जाएगा, आप जाएंगे तो बैंक पे हर पे सेटिंग होती है कि पेमेंट सेटिंग करना, बैंक किस मुल्क का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान सारे आ रहे होंगे, मीजान अनफला पर चूज़ करें, अकाउंट नंबर डालने सेट हो जाता है, पैसे आते हैं ट्रांसफर, सब बच्चे के काम है, बिल्कुल मसला नहीं है, क्योंकि ये तो वेबसाइट चली रही है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के लिए, वहाँ के लोग अगर काम करेंगे तो यहाँ के लोगों को थोड़ी मिलेगा, तो यही की कह रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। एडिशनल क्वेश्चन ये है कि इस पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या इस तरह के या कुछ डिफ़िकल्टीज, लाइक कि अगर बाहर से पेमेंट आ रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो कोई होती है, क्योंकि देखें कोई भी नया शख्स, आप एक एक्सपीरियंस है तो कोई नया शख्स रखेगा कदम, ऑब्वियसली उसके क्वेश्चन रेज होंगे, तो इस पेमेंट की पूरी डिनोर में पूरे ट्रांजेक्शन के मामला में कहीं कोई डिफ़िकल्टी का फाइल। मैं आपका सवाल समझ गया, ज़्यादा सवाल वो लोग करते हैं जिन्होंने करना नहीं, ठीक है, तो आप उनके जवाब हर चीज़ की जब देंगे ना, तो शुरू में मैंने कह दिया कि यार जब करोगे ना जहाँ पे अटकोगे उसका जवाब है, इवन जो वेबसाइट है उसका एक बटन होता है FAQ फ्रीक्वेंटली आज, ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, पेमेंट कब मिलेगी, कितने दिन के बाद मिलेगी, ठीक है, तो वो वहाँ पर है, ये जवाब नहीं होंगे तो वेबसाइट ही नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो कॉमन है हर आदमी को आते हैं, तो ऐसा कुछ भी मसला नहीं, गवर्नमेंट तो इनक्रेज करती है कि लोग करें, और इस पर कोई टैक्सेस नहीं, हम कोई टैक्सेस भी नहीं देते, पूरे आमदनी शो करते हैं और हम टैक्स भर देते हैं, तो कोई गवर्नमेंट कट भी नहीं देती, तो बहुत अच्छी बात है कि 100% आपको मानते हैं, टैक्स नहीं कट रहा, आप अपने मुल्क में डॉलर्स ला रहे हैं, आप अपने भाइयों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के करीब हो, जब चाहते हो उठ के चले जाते हो, और आपको कोई बॉस नहीं है, इससे अच्छा क्या हो सकता है यार, लैपटॉप लेके छुट्टी पर मरी चले गए, वहाँ से भी काम कर रहे हैं, है ना, रात को कर लिया, रात को भी किया, दिन को कर लिया, बात चाहते यार, सारा मसला सिर्फ ये है कि फर्द को यकीन दिलाना है कि तुम कर सकते हो, वो कब होगा जब इनमें से कोई एक, अब बच्चे अगर कर रही है ना उसके पास सहेलियाँ करेंगी, आपको भी किसी एक को ये सोच के करना है कि या अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दिला दे तो मैं अपने मोहल्ले में एक रोशनी बिखेर सकता हूँ, मेरे फला सेक्टर में 20 लड़के और काम कर सकते हैं, और हो सकता है कि अल्लाह ताला इसके बदले रोज़गार के लिए किसी को हेल्प करना सदका जारिया कहते हैं, वो सवाब का काम है।
अगर वो अपने खानदान के लिए कमाता है तो ये करना चाहिए, और इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होने। मैं आया हूँ तो कोई मैंने कोई लाखों कुछ भी नहीं पता, दो घंटे में चला जाऊँगा, आप जाके किसी को समझा सकते हैं। आप खुद वीडियोज़ देखिए, चीज़ें देखिए, अपने लड़कों को ऐसे क्लब बनाए छोटे छोटे, पहले एक बनाइए उसको तोड़िए और बोले कि हम खुद डिस्कवर करेंगे, तुम ये देखते रहो, तुम आप वर्क को देखो, तुम फाइबर की पूरी पीएचडी कर लो और हम अगले हफ्ते जमा होते हैं। तो यार हम अपने लोगों को ये एतमाद भी देंगे, अपने लोगों का मतलब अपने पाकिस्तान के बच्चों को, तो फिर बाहर से चिट्ठी थोड़ी भी गोरा आएगा कि तुम कर सकते हो और ये वो, और हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी है, हम तो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपने भाइयों से। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, अगर होता तो कोई दूसरा भाई आके मुझे सिखा रहा होता, मैं कहाँ कहाँ जाके ठोकरें खा चुका हूँ, जापान में मजदूरी की, कैनेडा में, अमरीका में, ऑस्ट्रेलिया में, बर्फ़ में गाड़ी चलाना, रात को चौकीदारी करना, क्या कुछ नहीं किया। तो अपने मुल्क में रहते, तो मैंने सुना है कि किसी बुजुर्ग ने ये भी कहा है कि ये दुआ जो अच्छी दुआएं हैं उनमें से एक अच्छी दुआ ये है कि अल्लाह ताला मुझे अपने शहर में रोज़गार दे। तो इस काम के जरिए आपको अपने ख़ानदान, अपनी वालदा वाली के करीब रहते हुए काम मिल सकता है, आपको करना चाहिए। और सबसे अच्छा सवाल मुझे इनका लगा कि औरंगी के जो बच्चे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एजुकेशन में, बदकिस्मती से आज कल के, हमारे वाले तो थे, लास्ट टाइम वाले तो थे, ट्यूबलाइट वाले नहीं रहे, ठीक है, बदकिस्मती से जब टंकी कनस्टर आते थे तो वो लोग भी स्ट्रॉन्ग थे, पढ़ पढ़ के अमरीका पहुँचे हुए, और जब नलका आ गया तो ढीले हो गए ऐसे ही है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा महाज खोलो, हमेशा चैलेंज कबूल करो। अर्तुगरुल देखे ना, हर थोड़े दिन में एक नया पंगा आ जाता है सामने, फिर अभी उसको हराता है कि दूसरा आ जाता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी आजमाइश और लड़ने में रहती है, तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। आजकल के बच्चों को है नहीं, हर चीज़ रेडीमेड, तो बेचारे ठीक हो गए। आप कहते हैं घर में जाके हमें पैसे नहीं चाहिए आपसे, बस ये देते लोन थोड़ा सा ना वापस करूँगा और आइंदा अपना खर्चा मैं उठाऊँगा, और इतनी आपको गैरत होनी चाहिए। और आप बोले कि मैं इतना करूँगा, मैं कम से कम दो लोगों को जॉब दूँगा साल में, दो साल में मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस हो। सॉरी सवाल किया कि पेमेंट क्या होगा, आप जब अर्गी कॉटेज की बात कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर बनते हैं 5,000 पीस बना दो, मैं चूँकि गार्मेंट इंडस्ट्री से वापस हूँ तो मुझे पता है कि पेमेंट में कितने मसले मसले आते हैं। सपोज डेट मुझे दुबई से मिल गया, मेरे पास बायर नहीं है, लेकिन मसले मसले ये आते हैं कि जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ माल को तो मुझे एक बैंक में शो करना है कि माल किसको दे रहा हूँ, कहाँ से पेमेंट आएगी, ई फॉर्म बनेगा, सब कुछ होगा। उसके बाद जब पेमेंट नहीं आई, बहुत सारे ऐसे अर्गी के ही लोग हैं उन्होंने छोटे छोटे फिर कारखाने लगाए, उसके बाद सीएमडियाँ पकड़ी, फिर बायर को पकड़ के काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी पेमेंट नहीं आई, बाहर से वो बंद, मतलब कि पेमेंट नहीं दिया बंदे ने खरीद, वो बंद हो गया, वो फैक्ट्री बंद हो गई, उसने अपने घर से ई फॉर्म पे पैसे वो डाले, तब जाके उसको गवर्नमेंट ने छोड़ा था। भाई सवाल का जो मैं मजीद बातें कर देता हूँ कि सपोज अगर उसने काम शुरू कर दिया, लेकिन काम शुरू करने के बाद उनकी आप रखें क्या, उसके बाद पेमेंट पे आने पे कोई मसले मसाइल, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई और मतलब के? हाँ मैं तुम्हारा बात कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए ना, मैं आपको आपके आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख सकता, देख मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने लिहाज से जो सवाल आप महसूस रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा है आपके लेवल पर आके। मैं कहता हूँ देखिए, दुनिया भर में ना इंसाफ है दुनिया भर में, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क आगे हैं वो आगे इसी वजह से हैं कि वो इंसाफ को फॉलो करते हैं। मैं मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप अमरीका की। अगर आपके कोई आदमी इलीगल है, पकड़ा भी गया, तो ये उसूल है कि भाई उसके पूरे पैसे उसको देंगे, उसके कपड़े देंगे, उसको टाइम देंगे, इज्जत से पहुँचा देंगे, पैसे कोई किसी के नहीं रोकता। आपने जो भी कमाया, अगर आपने कमा लिए और उसने दे दी आपको, तो कोई आपका अकाउंट बंद हो जाए, पैसे ले जाए, पैसे पड़े रहेंगे। अरे मेरा यूट्यूब से कोई चेक आ रहा है तो 2,00,000 का, वो नहीं पहुँचा रास्ते में, तो मेरे पे बटन होगा वहाँ पर, मैं उसको कैंसिल करो, दोबारा इशू करो, दोबारा आ जाएगा। इस काम में, इस काम की बुनियाद यही है कि भाई फ्रीलांसर को फौरन पैसे मिलने चाहिए, वरना वो नहीं क्या काम करेंगे, दूसरे हफ्ते भी जाते हैं। अच्छा, तो इनकी बात है कि जब ई कॉमर्स करेंगे, भाई अपना ऑर्डर आएगा, पैसे खर्च आएंगे, तो आपके पास तो चॉइस है ना। जैसे मेरे पास एक बेरोजगार लड़का आया, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कल से ही घर चलाना है, तो मैंने कहा जाओ हमसे मार्केट, कोई चीज़ खरीदो, बड़ी चॉकलेटें वगैरह जो पान वाले कम रखते हैं, 4-5, और सबको 5 दे दो, और सबसे कहोगे भाई कैश पे लो, तुम चल कर आ गए तो जाना, मैं 5-5 मैं फ़ोन करूँगा, दोबारा आ जाऊँगा, मैं थोड़े पीस देता हूँ लेकिन कैश पे, ये मेरी मजबूरी है। और उसने फॉलो किया, उसको सब वो कहता है शाम को घर जाते हैं, कम से कम 500 और 1,200 रुपये मेरे पास होते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर बड़ा आ जाए तो आप कहिए कि मेरी शरायत ये है, तो पैसे आ जाएंगे तब मैं रिलीज कर दूँगा, ठीक है, सैंपल में 2 पीस भेज दूँगा। इस काम में पैसा नहीं रुकेगा, इस काम में रुकेगा तो मैं गारंटी, ठीक है।
इस काम में अकाउंट बंद होते हैं, जो सवाल नहीं आया अकाउंट बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऑफर करते हुए वो कहता है यार तुम क्या यहाँ पे कमीशन कटता है, अलग आ जाते हैं, आप फोन नंबर लिख देते हैं, हाँ कर लो आगे, तो वो स्कैन हो रहा होता है, तो चूँकि आप पॉलिसी वॉलेट करते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो एक एक उसूल समझ लीजिए, बाहर अगर आपको $10,000 भी मिल रहे हैं लेकिन सिस्टम में किसी वेबसाइट पे 8,000-6,000 रुपये आपने कमाएँ तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कि उसका फीडबैक दिख रहा है, इसको देखें दूसरे लोग आएंगे, आप अपनी दुकान इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बाहर मैंने कितने का काम किया किसी को क्या पता, लेकिन अगर मेरे 500 हर महीने फीडबैक आ रहे हैं तो आदमी देखेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबने वाहवाह की, जैसे ऊबर टैक्सी वाले काम देखते हैं। तो ये सिस्टम तो बहुत आसान है, मुझे हैरत हो रही है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इसका नहीं मालूम है, जबकि आप ही के शहर में स्कूलों के बच्चे पैसे बना रहे अच्छे खास, ठीक है पता है। खाली मसला ये होता है ना मेरे भाई, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, जब हम शहर के किसी किनारे में रहते हैं और हमारे चॉइस थोड़ी होती है, हमारे अम्मी को यहाँ घर बनाया तो हम यहाँ आ गए, अगर वो लियारी में बनाते तो हम वहाँ रह रहे होते हैं। तो ये रिमोट एरिया होता है ना, सरजानी, औरंगी, लियारी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थोड़ी देर से पहुँचती हैं, ये लोग अपने लोगों में रहते हैं, वो अपने लोगों में पॉकेट होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं आती, आते आते देर हो जाती है। तो जो बीच शहर में रहना होता है उसके पास चूँकि ज़्यादा हर तरह के लोगों से मिल रहा होता है तो बहुत सारी मार्केट की खबरें पहुँचती हैं। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मुझे जब मुजालम किया स्टूडेंट था तो मैंने महल्ले के 4 लोगों को बताया एल ब्लॉग वालों को, तो मेरे दोस्तों ने अप्लाई किया, जब मैं पहुँच के मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम्हारा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वीडियो बदल, और उन्होंने कहा कि हम लोग को तो हर चीज़ इतनी देर से मालूम होती है कि बस मजाक की बात कर रहा हूँ, बदकिस्मती तो ये है ना। तो आपको क्या चाहिए कि अब इंटरनेट की वजह से इस बैरियर को तोड़ दें, आप बाहर दोस्त बनाएं, फॉरम पे जाएं, डिस्कस करें, बात करें, और हर जगह आप नज़र आ रहे होंगे, तो आपको मैं तो औरंगी का हूँ ना, तो मुझे तो बाहर के लोग जानते हैं, अगर मैं दोबारा भी आ जाऊँगा तो मुझे तो बाहर कोई मुश्किल नहीं है। आप ये फिर हमारे लोग थोड़ा सा हमारे यहाँ के लोग डिप्रेस रहते हैं और ये समझते हैं कि बस आपस ही में बात कर लेंगे और बाहर जाके ज़रा कम बात करते हैं, इसको मिटा दें, हम लोग को किसी से कम थोड़ी है। हमारे लोगों ने यार हमारे माँ बाप ने 2 दफ़ा हिजरत की है, ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है, हम लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं, हम लोग मेहनती भी, हम लोग 12-12 घंटे काम करने वाले हैं, चाहे साइट में जाके देखें, इसमें तो सारी चीज़ प्लस है। हमारा कोई डाकू चोर नहीं है, किसी के लैब में नाम नहीं है, कोई पैसे लेके नहीं भागा, बाबा कोई साउथ अफ्रीका में नहीं है, कहीं पोस्टर नहीं लगे हुए शहर में, हम लोग उनका नाम जो है ना शुरू से हिंदुस्तान से लेके यहाँ तक पढ़ाई में रहा। अभी भी जो कहते हैं ना बिहार पटना में सबसे ज़्यादा सिविल ऑफिसर बनते हैं इंडिया में, हमें कम बैक करना चाहिए, और हमें इंटरनेट ने यह मौका दिया। ठीक है बिल्कुल सर, के प्रोग्राम की तरफ से छोटा सा पैगाम मैं चाहूँगा कि आप शेयर कर लें, मुझसे गुज़श्ता कई सालों से मेरा तकरीबन आपसे बहुत कम तजर्बा है मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन वर्ल्ड वाइड वर्किंग करने का और सारी चीज़ों का कोई 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और गुज़श्ता कई महीनों से मैं कोर्सेज जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। स्पेशली इसकी वजह यह है कि ज़रूरी नहीं कि सबके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, तो कोई 12 GB का डाटा है, अच्छा। कोर्स मुकम्मल है और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एक मुकम्मल पैकेज है, उसकी कोई फीस नहीं है। मैंने चूँकि परचेज की थी कहीं से, अच्छा। और मैं अब तक बेशुमार लड़कों को इवन आई डोंट नो देम तो उनको नहीं दे रहा होता हूँ आपसे, चूँकि तो उनको अगर आप एक पैगाम देना चाहेंगे कि भाई अगर जो ताल्लुक की बुनियाद पर उसे आ करके वो ले जाएँ डाटा, उसको बहुत आसान तरीका है, मैंने बताया हुआ भी और बहुत से अहबाब उससे अब तक वसूल कर चुके हैं और उससे सीख रहे हैं, तो मैं एक और बात चाहूँगा कि आप उस पर जो ज़्यादा इम्फेसाइज करके बोले वो ये कि सीखना जो है ना ये सबसे पहला प्रोसेस है, फोकस होकर सीखना, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिफिकल्टी है कि हमने बहुत सारी बातें बहुत कंसाइज वे में आपने की है, तो जो हमारे सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमें सीखने से थोड़ा सा पीछे रिलेक्टेंट है, एक दूसरा हम बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, हाँ बीज बोने से पहले हम चाह रहे हैं कि फल मिल जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर हमारी लोगों को तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। तो एक चंद लाइन में अगर आप ये बात कह दें कि भाई अगर कोई यहाँ कोर्स लेना चाहे जरूरी नहीं मुझसे, तो ऑनलाइन आप कोई भी कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, और मुकम्मल कोर्स अगर वो चाहते हैं तो मैं की बात में ना दो तीन बहुत ज़रूरी बात आ गई सामने, वो बहुत की है जो मुझे दो तीन साल के बाद पता चली, जो मैंने बहुत अगर मैंने कोई चीज़ बहुत बाद में सीखी है अगर आपको पहले आ जाए तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, आप कहना चाहिए बरकत होगी कि मुझे शुरू में मालूम हो गई। बेटा पहली बात तो ये है कि कुछ सीखने के लिए ना
पैसे खर्च करना चाहिए, और अगर ये फ्री में भी दे रहे हो ना तो ये दे देंगे तो उनकी मेहरबानी है, लेकिन मैं तो कहूँगा आप खरीद के लो, 1200 रुपये खर्च करें, ठीक है, 1400 रुपये खर्च करें, पैरों में छाले पड़े, तकलीफ, फ्री की चीज़ की ना कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अभी ये कि मैं 2000 रुपये ले चुका हूँ फेसबुक कैसे करते हैं कुछ नेपाल में, ठीक है, अब मैं चल के आया हूँ ना तो और इश्तहार भी दिया है तो 10 करोड़ भी मुश्किल से जमा हुआ, फ्री में आपके पास बहुत खजाना होगा, लेकिन हम इनको देंगे ये खाएंगे, इनको भूख ही नहीं है, इनको भूख लगने दें, जिनको भूख लगेगी ना पहले तो ये कोशिश कर लेंगे यार मैं पैसे खर्च करूँगा। वो जो अब्दुल वली खान है जो इतना मशहूर ब्लॉगर है वो कहता है मैं ठेले पर बिरयानी बेचता था और मैंने सीखा बैठ के सब कुछ कैसे ऑटो मेक मनी, पैसे मेरे पास आते थे सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करके सीखता था, इंस्टीट्यूट में जाके अंग्रेजी सीख रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ, ये कोर्स खरीद रहा हूँ, तो मैं पैसे खर्च, हम लोग पैसे नहीं खर्च करना चाहते, फ्री की सीडी मिल जाए, फ्री का उसका लैपटॉप मिल जाए, पैसे खर्च करो, खर्चे बढ़ेंगे तो आमदनी बढ़ाओगे, अच्छा घर किराए पे लेके रहोगे, अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश करो, जब तुम्हारा खर्चा होगा ना 50-60 तो 1 लाख कमाओगे, तुम खुश हो 10,000 में कि अब्बा क्या रह रहे हैं, पुरानी चप्पल फटी हुई है और गुजारा हो रहा है, तो आप जाने नहीं मान रहे, ये फार्मूला है, मैंने सीखा है, जब मैंने स्टाफ रख लिए, किराए पर जगह ले ली, तो मैंने अच्छे तरीके से काम किया, सीरियस होकर, और मैं घर से कर रहा था तो तफरी करता रहता था, बिल्कुल इनके पास चीज़ें हैं, लेनी चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन भूख नहीं होना, तो पूरी चीज़ देख भी ले जाऊँगा तो, और जिसको भूख है ना उसके लिए सब कुछ है। तो आज के गुफ्तगू में और कोई सवाल ऐसे भी ना होना चाहिए? सर सवाल नहीं, एक रिक्वेस्ट है। अपनी गुफ्तगू में आपने बताया कि हम लोगों को क्लब बनाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ दोस्तों ने दुआबा फ्रेंड्स क्लब के नाम से एक सिलसिला शुरू किया है, और सबसे पहली बात तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप औरंगी टाउन में आए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हम इस तरह की सेशन रखते हैं अपने दुआबा फ्रेंड्स क्लब की तरफ से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की सेशन को आप मज़ीद आकर हमारे साथ, हमारे क्लब के साथ बिल्कुल करें, ताकि लड़कों और ज़्यादा लड़के इससे मुस्तफीद हो सकें। ये रिक्वेस्ट है, मैं खुशी से आऊँगा, और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वेलकम किया, मैं इससे ज़्यादा करना चाहता हूँ, मेरे जहन में है कि अगर यहाँ के कुछ लड़के मुझे दिखा दें कि मसल्स हैं, कर सकते हैं, मेरे दोस्त हैं बाहर औरंगी टाउन के, हम आपके लिए मुस्तहक लड़कों के लिए लैपटॉप कंप्यूटर अरेंज करेंगे, कर्ज़े हंसता देंगे, हम कुछ सेंटर बना के उसका किराया और AC लगा के वहाँ देंगे कि कोई भी आकर लैपटॉप रख के काम करेगा, ठीक है, हम कर्ज़े दे सकते हैं। और हमारे पास जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि औरंग बुरा नहीं मानिएगा, वो कहते हैं कि औरंगी के लड़के जो है ना वो बहुत जान नहीं मारते, चूँकि हम पीछे रह गए तो पसमानगी खाली एक तरह की नहीं होती कि वो सड़कें टूटी रह गई और पानी नहीं आ रहा, एक ज़हनी पसमानगी भी होती है, वो जान मारने को आसानी से तैयार नहीं होते, हम किसी को ले भी जाते हैं तो वो पूरे हफ्ते ऑफिस नहीं आता 2 दिन के बाद। आप लोगों को यहाँ मिसाल बननी होगी कि भाई हम थे और हमने, आप लोग उसका चर्चा करें, मुझसे शेयर करें जो भी लगा हम ये कर रहे हैं, सर हम उनको बताएंगे जो औरंगी के लोग बाहर हैं कि हमारे बच्चे हम उस मोहल्ले में पढ़े हैं, अनिरा इसमें हमारे ऊपर कर्ज है ना, इस ज़मीन का हम उतारना चाहते हैं, हम फेंकना चाहते हैं, आप कैश में करने वाले बने। हमारे दोस्त ने ऐलान किया कि कोई DMC NAD जा रहा हो, कोई बच्चा औरंगी का, और फीस की वजह से नहीं जा रहा हो, तो हमें उसका कह लेंगे 3 साल हो गए आज तक किसी ने रखता नहीं। सर एक बच्ची है, बच्ची है, अच्छा अच्छा रेडी में दाखिला हुआ है, टेक्निकली आप बताइए मैं उसे कराता हूँ। तो आप लोग ना इस क्लब को इसमें आग लगा दें, एक जगह बैठे किराए पे लेके, AC लगाएं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट बनाएं, और उसको बताएं कि यहाँ क्लब के मेंबर आएंगे और क्लब के मेंबर 2-3 हज़ार इसका खर्चा उठाते हैं, अब गाहे बगाहे यहाँ पे लोग आते हैं। आज मेरे साथ एक दोस्त आना चाह रहे थे, वो डॉक्टर है, तो मैं भी चलूँ, मैंने कहा नहीं वो शायद कम बच्चे हों, शायद ना हो प्रोग्राम, नहीं करके आ जाता हूँ। वो करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अलीरा में जाओ, ये करो, जमा करो, पढ़ाओ, खान अकेडमी खोलो, यहाँ के लोग खड़े थे ना, यहाँ के 4 लोग तो ऐसे हैं ना, मैं तो यहाँ नहीं रह सकता ना, तो वो लोग भी यहाँ के नहीं रह सकते। तो अब आप जो हैं, हम जब यहाँ आते हैं तो हम अपने गली मोहल्ले में झाड़ू लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, अब हम जहाँ रहते हैं वो हमारा मोहल्ला है, ये आपका मोहल्ला है, आप इसको ओन करें और आप बताएं कि हम लोगों ने एक ही बनाया है और ये अखलाक मकासद है, 50 चीज़ें नहीं करेंगे बस एक, और एक क्या कि हम खाली लड़कों को रोज़गार के लिए खड़ा करेंगे, स्किल सिखाएंगे, और टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे, फला न्यूयॉर्क से लड़का आ रहा है, वो IT का एक्सपर्ट है, वो आपके लेक्चर देगा, हम आपको स्काइप पे अरेंज करवा देंगे, हम आपको कोर्सेज खरीद के दे देंगे UDMI वाले, एक अकाउंट से लॉगिन होंगे और देखेंगे, आपको पूरे वसाइल दस्तियाब हैं, और ये रास्ता 6-6 महीने, सभी तो कह रहे थे ना, ये सबसे नजदीक बात थी, सब्र चाहिए थोड़ा सा,
सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी यह है कि पूरी नस्ल बेसब्री हो गई, 2 मिनट से ज़्यादा पढ़ नहीं सकती आगे नेक्स्ट कर देती है, 3 मिनट से ज़्यादा सुन नहीं सकती नेक्स्ट कर देती है। ये लंबा काम है, इसमें लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं, 20 मिनट की 10 वीडियो देखनी पड़ती है ऐसे करके रिवाइंड करके।